स्वागत है बच्चों। अभी तक हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, आज हम लोग ओम के नियम के बारे में ये जानेंगे। ये कोई ध्रुव सत्य नहीं है, इसमें वेरिएशन होता है, इसमें विचलन होता है। तो आइए पहले जानेंगे ओम का नियम क्या था, इसके बाद उसमें किन किन केस में किन किन स्थितियों में विचलन होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा आई अनुक्रमानुपाती होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इट्स इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू आई आर। ये आप जानते हैं, तो भौतिक स्थितियां नहीं प्रदर्शित हों तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन आइए जरा स्थिति एक देखें, स्थिति एक, यदि किसी धात्विक चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो होता क्या है कि जो उच्च ताप पर उसका धारा के साथ संबंध होता है वो, और जो निम्न ताप की धारा के साथ संबंध होता है उसमें अंतर आ जाता है। तो देखिएगा क्या होता है, जैसे ये अगर ग्राफ प्लॉट कर दें, इधर हम V दिखाएं, इधर हम I दिखाएं, जैसे जैसे विभव बढ़ाते जाते हैं तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा, जो अंतर और धारा बढ़ेगी तो अब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब हो गया ये ग्राफ आपका धारा कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर धारा कम हो गई, डाउन हो गई, विचलित हो गया। विभवांतर लगाते हैं तो उच्च ताप पर धारा विभव के या विभवांतर के समानुपाती नहीं हो पाती है। तो आप देख रहे हैं कि वैसे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता ही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, अधिक विभवांतर पर अधिक करंट मिलती है। लेकिन इस केस में, भौतिक चालक के केस में, उच्च ताप पर ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा एक दूसरा केस देखा जाए, वोल्टामीटर का स्थिति एक थी, स्थिति दो, वाटर वोल्टामीटर, जल विद्युत अपघटन के लिए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा
में संबंध ग्राफ द्वारा दिखाया गया। क्या दिखाया गया भाई? देखिए ग्राफ हो गया, इधर मैं भी दिखा रहा हूँ, इधर आई दिखा रहा हूँ। कुछ देर तक के वोल्टेज के लिए वी जीरो तक के लिए कोई धारा बहती ही नहीं है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं धारा हो ही नहीं रही है। इसके बाद पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही धारा बहनी शुरू होती है। यहाँ से क्लियर क्लियर हो गया, किसी विभवांतर पर जैसे ही विभवांतर लगाएंगे वैसे धारा बहेगी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ओम का नियम कहता है कि विभवांतर है तो धारा रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका फेल्योर हो रहा है। एक निश्चित विभवांतर वी जीरो के पश्चात ही धारा आई प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छी स्थिति है, एक और उदाहरण है बड़ा अच्छा, एग्जाम में आपको लिखना चाहिए। स्थिति ये क्या है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड जो है आपका, इसी अर्धचालक पीएन संधि डायोड में विभवांतर V तथा वैद्युत धारा I का ग्राफ ओम के नियम का पालन नहीं करता, ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो ग्राफ कैसा बन जाता है देखिए। ये दिखा देता हूँ, इसमें इधर ये बी दिखाई पड़ रहा है आपको, इधर ये आई दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए दो स्लॉट दिखाई पड़ रहे हैं, एक वोल्टेज का राइट हैंड का स्लॉट, एक वोल्टेज का लेफ्ट हैंड का स्लॉट। तो यहाँ पर होता यह है कि जो पीएन जंक्शन होता है इसको जरा समझ लेंगे। पी का मतलब हो गया कि जब जो आपके चतुर्थ संयोजकता वाले जो तत्व हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही आपके नेचुरल प्राकृतिक रूप से अर्धचालक हैं, जिनकी चालकता धातु और अधातु के बीच की होती है। तो इसमें जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ट्राइवेलेंट मतलब इसमें तीन संयोजकता हो, और अगर इसमें हम पांच संयोजकता वाले तत्व इसमें मिला दें तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तीन वाला मिलाते हैं चार में तो इलेक्ट्रॉनों कमी रहती है और पी टाइप बन जाता है। और इस तरह से अगर मिलाकर हम जंक्शन बनाएं तो ये कंट्रोल डिवाइस बनती है, और पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव जोड़ेंगे तो ये अगर अभिनत, और अगर इसी को हम रिवर्स देख लें पीएन जंक्शन को, अगर पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव कर दें तो ये आपका पश्च अभिनत फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसा हो जाएंगे। और फॉरवर्ड बायस में शुरू शुरू में कोई करंट नहीं फ्लो करती लगभग ना के बराबर, और इसके बाद फिर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, जबकि पश्च अभिनत में आप देखेंगे
ये ग्राफ ऐसा आता है। तो ये दो ग्राफ आपके बन गए और उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि अग्र अवनत माने फॉरवर्ड बायस तथा पश अभिनत रिवर्स बायस्ड का ग्राफ उपरोक्त प्रदर्शित है जो विभवांतर V तथा धारा I के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये तीन केस आपको देखा, इसमें मैंने आपको बताया कि ओम के नियम का मिश्रण किस प्रकार हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए और एग्जाम में जब आए कि ओम के नियम का फेल्योर या मिश्रण लिखिए तो आप इन चीज़ों पर काम कर पाए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये सच है, लेकिन हर परिस्थितियों में ये बात सही नहीं है। किन परिस्थितियों में विचलन हो रहा है इसका, ये आपको यहाँ जानना है। गुड लक बच्चों।